आज आपको सॉफ्ट ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ बच्चों के लिए। पार्टीज में भी आप रख सकते हैं, ओकेजनली भी बना सकते हैं। तो ये हम बना रहे हैं अनार के साथ, केवी के साथ, और ये ऑरेंज जूस है। मैंने ऑरेंज जूस निकाल दिया था, अब मैंने इसमें खाली अनार लिए हैं और हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें। बाकी जो है हम इसको ग्राइंड कर देते हैं, जूस बना लेते हैं इसका जल्दी से। ये हमारा जूस तैयार हो गया। अब जो है हम पहले मैं आपको ये 7 अप है, अब मैं दे रही हूँ, और पहले मैं लेती हूँ केवी का। केवी का एक पीस लेके पहले मैं इसकी इर्द गिर्द कर दिया है। अब मैं ये मेरे पास है टाटरी, ये टाटरी है, ये थोड़ा सा नमक ले लिया और इसको मैं टाटरी को भी इसके साथ में कर देती हूँ। चलो अब हम ये देखिए, इसको हमने ये सेटिंग कर दिया। अब हम ऑरेंज का बाद में करते हैं, पहले हम केवी का करते हैं। केवी के कुछ पीसेस ले लिए, इससे आप 3 छोटे ड्रिंक बना सकते हैं बच्चों के लिए। प्लास्टिक वाले भी मिलते हैं एंड डिस्पोजेबल, तो आप वो भी ले सकते हैं बच्चों के लिए। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो शीशे के सही हैं, अगर नहीं है तो फिर आप ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, इसके सारे पल्प्स वगैरह। ओके, अब हम इसमें डालते हैं 7 अप। ये आपका एक ड्रिंक तैयार हो गई है। अब हम लेते हैं ऑरेंज का। ऑरेंज के लिए भी मुझे थोड़ा सा अगर आपके पास किन्नू है तो आप उसको लगा लीजिए हल्का सा। ये मैंने इसी के जूस में डिप कर दिया साइड पे, ताकि थोड़ा सा, या तो आप पानी भी लगा सकते हैं अगर आप नहीं। तो ये हम ऑरेंज जूस डालते हैं इसमें, ये हम डालते हैं तकरीबन आधा, और इसमें हम डालते हैं 7 अप। ये हम डालते हैं, बहुत टेस्टी है गाइस, आप ट्राई कीजिए। ये हमने ऑरेंज जूस लिया है। पहले मैं इसकी इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन दिखाती हूँ। एक अनार लेके आप इसको पहले इसका जूस ये इर्द गिर्द हमने लगा दिया। अब जो है हम इसको ये कर दिया, ये आपका तैयार हो गया। अब मैं आपको एक इसकी चीज़ दिखाती हूँ कि इसको बहुत आप लेके ना, इसको अनार के दाने को लेके थोड़ा सा इसको सुराख करके कि आप साइड पे लगा दें, बहुत ही अच्छा लगेगा। डिफरेंट यूनिक स्टाइल है, बड़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखें गाइस, ये दूसरा हो गया, ये नीचे गिर गया था, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा सेट करके दिखाती हूँ। ये हो गया, अब हम इसमें ऑरेंज जूस डालते हैं, सॉरी अब हम अनार का जूस डालते हैं इसमें। ये देखें, मैं इसका छान रही हूँ, तो आप भी छान के डालिएगा तो इसके बीच वगैरह नहीं आएंगे। हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि इसमें जितना जूस है वो निकल जाए। जूस अनार का जूस रेडी हो गया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 7 अप। बहुत ही ज़बरदस्त बना है गाइस, आप लोग ट्राई कीजिए प्लीज़ इसको। आप इसकी रेसिपी भी शेयर करें लोगों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।